दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए Redmi K20 Pro का गेमिंग रिव्यू लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें आपको PUBG की क्लिप दिखाने वाला हूँ और मैं एंड में आपको इसका कंक्लूजन भी दूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहें। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि 25,000 में आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन मिल जाए, मैं तो ये बोलूँगा बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, तो Redmi K20 Pro सबसे टॉप पर आपको दिखेगा। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि 2020 में Redmi K20 Pro लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें, PUBG की क्लिप आराम से देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि हाइस्ट ग्राफिक आपको कौन से मिलते हैं और कंक्लूजन देखना ना भूलें। दोस्तों Redmi K20 Pro में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो आपको Snapdragon 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो कि क्लॉक करता है 2.84 GHz पे और ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छी प्रोसेसर है। दोस्तों आपको पता है Snapdragon के जो 800 सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर होते हैं और वो गेमिंग को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो मैं आपको PUBG के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको हाइस्ट ग्राफिक देखने को क्या मिलते हैं। दोस्तों आपको PUBG में जो हाइस्ट ग्राफिक देखने को मिलते हैं वो आपको HDR में एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब आप 60 FPS में HDR में भी आप अपनी गेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको PUBG की क्लिप दिखा रहा हूं जो कि इसके खुद के इंटरनल रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड करी है, तो आपको इसका रिकॉर्डर भी पता लग जाएगा कि कैसे काम कर रहा है और आप क्लिप को एंजॉय करें और एट लास्ट मैं आपको उसका कंक्लूजन भी बताने वाला हूं। Watch out! Cover me! Killing spree for the red team! Clear! Reloading! The blue team is in the lead. मतलब पूरा अकेला मारा तुमने, कुछ मारे ही नहीं यार। नहीं यार तुम खेलने का ना भाई। दोस्तों आपने अब PUBG की वो जो क्लिप मैंने दिखाई थी उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देख ली होगी, अब मैं आपको उसका कंक्लूजन बताता हूँ। दोस्तों मैंने जब इसमें गेम प्ले करी और HDR में एक्सट्रीम में मैंने गेम प्ले करी तो मेरे को बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले। अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हैं जो कि 25,000 रेंज के अंदर आपको मिल जाए, तो मैं ये बोलूँगा K20 Pro एक बेस्ट स्मार्टफोन है, आप उसे ले सकते हैं। आपको PUBG प्ले करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। PUBG नहीं, आपको हाई एंडिंग गेम कोई भी एसफल्ट 8 हो गई, मॉडर्न कॉम्बैट हो गई, जो भी आप हाई एंडिंग गेम आपको पता है आप इसमें से खेल सकते हैं। आपको डिटेलिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी, आपको ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे और PUBG में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। क्योंकि जब भी एक गेमिंग स्मार्टफोन की बात आती है ना, सबसे पहले लोग PUBG पे आते हैं, भाई इसका रिव्यू हमें तो कैसे मिल रहा है। तो मैंने खेली है और मुझे पता है इसमें बिल्कुल भी मेरे को फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, कलर बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहे हैं, आपको डिटेलिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो अगर आपको 2020 में भी K20 Pro को बाय करना है तो ये वर्थ इट है, आप इसे बाय कर सकते हो। और Xiaomi इसमें अपडेट देगा, मेरा जो अभी फ़ोन है इसमें आपको Android 10 का सपोर्ट भी मिल चुका है, तो आपको और भी आगे अपडेट इसमें मिलने वाली है। और PUBG की बात एट लास्ट में करूँ तो इसमें बहुत ही अच्छी चल रही है, स्मूथ में भी आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल रहा है 60 FPS और HDR में भी, तो मतलब प्रोसेसर तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, PUBG को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है। अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट स्मार्टफोन है।